जेंटलमैन स्माइल। आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट शेरलॉक होम्स मूवी। लाइक क्या आपको पता है कि शेरलॉक होम्स मूवी का स्लो मोशन फाइट सीक्वेंस, तो इस फाइट सीन को एक स्पेशल हाई स्पीड डिजिटल कैमरा की मदद से शूट किया गया था स्पेशली इस सीन को, जिसमे होम्स अपने ओपोनेंट की जा पर पंच मारता है, जो की एक्चुअल में सिर्फ एक सेकंड का ही सीन था, जिसको कैमरा की मदद से इस एक सेकंड को 7 सेकंड में कन्वर्ट किया गया था बिना किसी पोस्ट प्रोडक्शन के, जिसको आप एक तरह से रियल टाइम स्लो मोशन भी कह सकते हो। और इसके साथ ही आगे आपको पता चलेगा कि किस वजह से इस मूवी के डायरेक्टर गाय रिची रॉबर्ट डोनी जिनको शेरलॉक होम्स का रोल देने से मना कर रहे थे, एंड आरडीजे को टोनी स्टार का रोल करने के बाद सीधा शेरलॉक होम्स का रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। और साथ ही पता चलेगा कि कंपोजर हैंस जिमर ने इस मूवी के इस ऑसम थीम सॉन्ग को कैसे क्रिएट किया था। सो लेट्स मूव ऑन विद फैक्ट नंबर 2। वेल इस मूवी में हमें प्रोफेसर मोरियार्टी का एक सीन शैडोज में ही देखने को मिला है, जिसमें हमें सिर्फ उनकी आवाज ही सुनने को मिली थी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें काम पर रखा है, जिनको इस मूवी के लिए एंड्रू जैक ने अपनी आवाज दी थी। बट जब इस मूवी के बाद सेकंड पार्ट में प्रोफेसर मोरियार्टी के रोल के लिए एक्टर जेरेड हैरिस को कास्ट किया गया था, तो उसके बाद इनसे इस मूवी के सभी प्रोफेसर मोरियार्टी के डायलॉग्स को फिर से रीडब करवाया गया था, ताकि इस करेक्टर की कंटिन्यूटी बनी रहे। नंबर 3, ये स्लो मोशन फाइट सिक्वेंस देखने में जितना ज्यादा औसम है, तो बिहाइंड द सीन आरडीजे को इसे करने में उतनी ही ज्यादा मार खानी पड़ी थी। यस, इस पूरे फाइट सिक्वेंस को रॉबर्ट डोनी जूनियर ने खुद ही परफॉर्म किया था, और इस सीन के दौरान शेरलॉक होम्स को मार खाते दिखाया गया है, तो उनमें से ज्यादातर पंचेस बिल्कुल रियल थे, जिन्हें आरडीजे को इस फाइट के दौरान सहना पड़ा था। Every hit you see him take is absolutely real, and the action they accomplished on that I thought was really quite extraordinary. और इस फाइटिंग के दौरान रॉबर्ट डोनी जूनियर ने विंग चन कनफू का यूज किया था, जिसमें आरडीजे माहिर हैं। नंबर 4, इस मूवी में हमें जिस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज को दिखाया गया है, तो ये लंदन का टावर ब्रिज है, जिस पर साल 1886 से लेकर 1894 तक काम चला था, जो कि आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है। और इस मूवी की स्टोरी 1890 की है, तो इसलिए इसमें इसे अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिखाया गया है। नंबर 5, शेरलॉक होम्स मूवी के मोस्ट ऑफ द शूटिंग एक्चुअल लोकेशंस पर हुई है, क्योंकि इस मूवी में 1890 वाले लंदन को दिखाने के लिए 18th के टाइम पीरियड के हिसाब से रियल सेट्स बनाए गए थे, जिनमें बोर्ड्स एंड फैक्ट्रीज, तो ये सब रियल था। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन्स का यूज ज्यादातर आउटर लंदन को एक्सटेंड एंड मोस्टली ब्रिज सीन्स में ही किया गया था, और 2009 के हिसाब से इस मूवी का VFX बहुत ही कमाल का है। नंबर 6, तो जब शेरलॉक होम्स को प्ले करने के लिए रॉबर्ट डोनी जूनियर का नाम आया था, तो उस टाइम इस मूवी के डायरेक्टर गाय रिची ने आरडीजे को ये रोल देने से मना कर दिया था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये इस रोल के लिए कुछ ज्यादा ही ओल्ड थे, एंड डायरेक्टर गाय रिची इस मूवी में एक यंगर शेरलॉक होम्स को दिखाना चाहते थे, बिल्कुल बैटमैन बिगिंस में दिखाए गए बैटमैन की तरह, जो कि काम करते करते साथ में सीख रहा हो। बट आरडीजे के टैलेंट को देखते हुए गाय रिची ने इन्हें ये एक मौका दिया था, एंड नाउ ही शेरलॉक। नंबर 7, वेल तो जहाँ पर शेरलॉक होम्स के रोल के रॉबर्ट डोनी जूनियर को कुछ ज्यादा ही ओल्ड बताया गया था, तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस रेचल मैकएडम्स के केस में बिल्कुल अपोजिट था, जिन्हें आयरीन एडलर के रोल के लिए कुछ ज्यादा यंगर बताया गया था, जिसके बाद आरडीजे के कहने पर इन्हें ये रोल दिया गया था। नंबर 18th के टाइम पीरियड के हिसाब से एक्ट्रेस रेचल मैकएडम्स को इस मूवी में लॉन्ग स्कर्ट्स एंड टाइट कोरसेट वाली ड्रेसेस पहननी पड़ती थी, जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी चीज से बचने के लिए रेचल मैकएडम्स इन ड्रेसेस को पहनने से पहले हर रोज सुबह ज्यादा ही ज्यादा ब्रेकफास्ट किया करती थी, ताकि ज्यादा खाने के बाद इनका पेट बाहर की तरफ आ जाए, और फिर बाद में इन्हें ये ड्रेसेस उतनी टाइट ना लगे, और ये ऐसा करते हुए पकड़ी गई थी। नंबर 9, मूवी के सीन में जब वॉटसन होम्स से कहता है, तुम्हें पता है जो तुम पी रहे हो वो आइस सर्जरी के लिए यूज होता है, पर तो एक्चुअल में ये लाइन इनडायरेक्ट नोट था शेरलॉक होम्स के कोकेन यूसेज को, क्योंकि स्टोरीज में होम्स अपनी बॉडी में कोकेन इंजेक्ट किया करता था, और 1990 जिस एरा में इस मूवी की स्टोरी दिखाई गई है, तो इस टाइम पीरियड में एज ए एनेस्थेटिक के तौर पर कोकेन का यूज आई सर्जरीज में किया जाता था। नंबर 10, प्रिजन से जुड़वाने के बाद जब इंस्पेक्टर लेस्टोड होम्स को न्यूज़पेपर दिखाता है, तो उसमें ब्लैकवुड के बारे में लिखा होता है, और नीचे दिए गए इस पैराग्राफ में उन पांचों लेडीज के नाम लिखे होते हैं जिन्हें ब्लैकवुड ने अपनी सीरियल किलिंग के दौरान मारा था, और साथ ही उस औरत का भी नाम लिखा होता है जिसे शेरलॉक होम्स इस मूवी की शुरुआत में बचाता है। नंबर 11, इस मूवी में अपने विक्टिम्स की डेथ को सुपरनेचुरल दिखाने के लिए ब्लैकवुड 4 ग्रीक एलिमेंट्स अर्थ वोट फायर एंड एयर का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैकवुड का फर्स्ट विक्टिम मिट्टी में दबा होता है, यानी अर्थ एलिमेंट। सेकेंड विक्टिम की डेथ पानी में डूबने से होती है, यानी वाटर एलिमेंट। थर्ड विक्टिम की आग, यानी फायर एलिमेंट। एंड लास्ट, पार्लियामेंट में लोगों को मारने के लिए ब्लैकवुड पॉइजन गैस का यूज करता है, यानी एयर एलिमेंट, जिसमें कि वो नाकामयाब रहता है।
नंबर 12, मूवी में जब शेरलॉक ब्लैकवुड केस को सुलझाने में लगा होता है तो उससे पहले एक सीन में हमें द पंच बाउल नाम के एक बार को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी के डायरेक्टर गाय रीची के पब का नाम था जो कि इन्होंने लंदन में बनाया हुआ है। नंबर 13, वेल शेरलॉक होम्स मूवी का थीम सॉन्ग इस मूवी की जान है जो कि शेरलॉक होम्स की पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल ही फिट बैठता है और इस म्यूजिक को कंपोज किया है लेजेंडरी कंपोजर हैंस जिमर ने और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इस थीम सॉन्ग को एक आउट ऑफ ट्यून पियानो की मदद से क्रिएट किया था जो कि इन्होंने बहुत ही सस्ते में खरीदा हुआ था। नंबर 14, जब शेरलॉक एंड वॉटसन ग्रेवयार्ड में ब्लैकवुड के ग्रेव को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पहुंचकर शेरलॉक कहता है और तीसरे दिन वो, तो यहाँ पर तीसरे दिन से शेरलॉक का मतलब था जीसस को क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जीसस उसकी डेथ के 3 दिन बाद फिर से जिंदा हो गया था। नंबर 15, मूवी के स्टार्टिंग में जब होम्स से गुंडे को मारकर एक स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाता है तो उसी सेम स्पाइरल स्टेयरकेस को हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी में भी यूज किया गया है। नंबर 16, मूवी के एंडिंग के टाइम जब शेरलॉक होम्स से ही पता लगाने की कोशिश में लगा होता है कि ब्लैकवुड फांसी से कैसे बचा तो वहीं पर पीछे बैकग्राउंड में एक मोक यानी जोंग इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसे विंग चंग की प्रैक्टिस में यूज किया जाता है जो कि एक और नोट था रॉबर्ट डोनी जूनियर की सीखी हुई मार्शल आर्ट फॉर्म को। नंबर 17, इस मूवी में दिखा गया होम्स एंड वॉटसन के बुलडॉग का नाम ग्लैडस्टोन होता है जो कि ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन के नाम पर रखा गया था और साथ ही 19th सेंचुरी के एंड में ग्लैडस्टोन नाम का एक बैग भी हुआ करता था जिसे डॉक्टर्स अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए यूज किया करते थे जो कि आई थिंक बहुत ही क्लेवर डिटेल थी क्योंकि वॉटसन इस मूवी में एक डॉक्टर भी होता है। नंबर 18, आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार का रोल करने के बाद रॉबर्ट डोनी जूनियर को सीधा इस मूवी में शेरलॉक होम्स का रोल करना पड़ा था तो जहां पर टोनी स्टार को प्ले करने के लिए आरडीजे ने अपने वेट को बढ़ाया था तो उसके तुरंत बाद इन्हें शेरलॉक होम्स को प्ले करने के लिए अपने इस वेट को कम करना पड़ा था और फिर इसके बाद 2010 में आयरन मैन 2, 2011 में शेरलॉक होम्स एक गेम ऑफ शैडोज और फिर 2012 में दी एवेंजर्स। तो आप सभी अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस टाइम पीरियड के दौरान रॉबर्ट डोनी जूनियर ने अपने वेट को कैसे मेंटेन किया होगा। नंबर 19, वेल शेरलॉक होम्स मूवी में आप सभी को ब्लैकवुड के हैंचमैन ड्रैगर तो याद होगा ही, तो एक्चुअल में इसे रिटायर्ड WWE रेसलर रॉबर्ट मैलेट ने प्ले किया था जिनकी हाइट 7 फुट है और इन्होंने फिल्मिंग के टाइम गलती से आरडीजे को पंच मार के नॉकआउट कर दिया था। नंबर 20, इस मूवी के अंदर में शेरलॉक होम्स के रूम में जितना भी फर्नीचर दिखाया गया है तो वो सभी बिल्कुल रियल एंड जेन्युइन था, इसमें किसी भी तरह की रैंडम चीजें नहीं थी क्योंकि इस रूम में हमें सिर्फ वो ही चीजें दिखाई गई हैं जो कि शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर के हिसाब से रेलेवेंट लगे कि वो अपनी मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए इन सभी चीजों का यूज करता है। तो ये थे शेरलॉक होम्स मूवी से जुड़े 20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, पीस।